हेलो जी। हेलो जी। आफ्ताब रहवर साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हाल है सर? सब ठीक। अब एक कलाम सुन रहे थे आपका। जी कौन सा कलाम? वो जिसमें कहा है कि देवबंदी का मुंह ककोड़ दो। वो मेरा कलाम थोड़ी है। आप ही का है? जी नहीं, बकोड़ दो वो दिलबर शाही ने पढ़ा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं आफ्ताब रहबर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है आपके ताल्लुक से कि जैसे पहले आप बरेलवियत में आए थे और फिर देवबंदी बन गए। जी मैं पहले मेरा, हाँ सही है ये, मेरा ताल्लुक मसल के देवबंद ही से था। अच्छा, पूरी तालीम यहाँ थी लेकिन मैं चला गया था उस पे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया तो मैं लड़ाई कर लिया। अच्छा, तो मतलब अपनी मर्जी से गए थे उधर, या मतलब? मैं वहाँ गया भी था अपनी मर्जी से, वापस भी आया हूँ अपनी मर्जी से, कहीं किसी से कोई जोर जबरदस्ती। अच्छा 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 अच्छा, इस पर कुछ बात करना चाहें हम और आप तो? ना 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 ना, कोई फायदा नहीं इस पे बात, बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं है ना, झूठ मूठ कर देखिए लोग, हमारी बात से आपकी बात से लोग और गुमराह हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, गुमराह नहीं होंगे। जो पब्लिक जहाँ है उसको वहीं रहने दें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सबको। पब्लिक तो खैर सही है अपनी जगह, मगर आप जो है गुमराहियत में दोबारा से आ गए हैं, देवबंदियों के चार अकाबिर। ये तो आपका मानना है ना, साबित करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साबित करने से क्या होगा, आप कोई पैगंबर थोड़ी हैं या फिर कोई सहाबा थोड़ी हैं, आप भी इंसान हैं।